प्रदेश में 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक नहीं होने के जिम्मेदार ठहराए गए मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि गहलोत के शुक्रवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस आलाकमान गहलोत से तीनों नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कह सकता है। 25 सितंबर को राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की ओर बुलाई गई जिस विधायक दल की बैठक का गहलोत समर्थक विधायकों ने बहिष्कार कर अपने इस्तीफे सौंप दिए, उसके लिए मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार मानते हुए कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। लेकिन नवंबर तक इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो लगने लगा कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यही कारण था कि 2 नवंबर को खुद सचिन पायलट सामने आए और उन्होंने तीनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस आलाकमान से की। लेकिन पायलट की मांग का कोई असर नहीं हुआ तो राजस्थान के प्रभारी और 25 सितंबर को पर्यवेक्षक बनकर विधायक दल की बैठक लेने जयपुर पहुंचे अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी पद को छोड़ने की घोषणा कर दी। जैसे ही अजय माकन ने अपना पद छोड़ने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा, उसके बाद से राजस्थान में पायलट कैंप के नेता आक्रामक हो गए हैं। पायलट कैंप के विधायक वेद सोलंकी और खिलाड़ी लाल बैरवा ने तीनों नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करने की खुले मंच से मांग शुरू कर दी है।